ये ससुरा ये मिस्टर जी हमें चक्कर का आ रहा है। रागिनी तुम ठीक तो हो ना? कुछ नहीं होगा, आपको हिम्मत बता दी। सांस लीजिए, सांस लेने की कोशिश कीजिए, कुछ नहीं होगा। डॉक्टर साहब आप बता दीजिए ना सबको कि हम एकदम ही ठीक है और अपना फीस लीजिए और जाइए। मिस्टर जी आप फालतू का जांच पड़ताल आप करवा रहे हैं। रागिनी तुम जरा शांत हो जाओगी? डॉक्टर मुझे लगता है कि ये ना जोर जोर से घूमने की वजह से, या फिर हो सकता है कि बीपी लो हो गया होगा, या फिर कुछ ऐसा। रिलैक्स मिस्टर सिंह, डॉक्टर मैं हूँ, मुझे कुछ बताने दीजिए। वैसे तो देख के सब कुछ नॉर्मल लग रहा है और मैंने इनका ब्लड सैंपल ले लिया है, फिर भी मैं कुछ दवाई लिख के देती हूँ, आप इनको दे दीजिएगा और रिपोर्ट आने पे ही बता सकते हैं इनका क्या हुआ है। हाँ भैया साथ में चले जाएंगे, रिपोर्ट लेते आएंगे। हाँ ठीक है डॉक्टर साहब, हम ब्रिज को भेज देते हैं, आप इनको रिपोर्ट दे दीजिएगा। इसकी कोई जरूरत नहीं है, 3-4 घंटे बाद रिपोर्ट आ जाएगी, हम आपको फोन करके बता देंगे। मैं चलती हूँ। आपको बाहर छोड़ देते हैं। थैंक यू। तुलरिया हम अभय दूध गर्म किए हैं, हल्दी डाल कर देते हैं, अपने भौजी को आकर दे दो। चलो हमारे साथ। दादी आप ज्यादा चिंता मत कीजिए, डॉक्टर ने बोला ना भाभी एकदम ठीक है। ठीक है ना भाभी? आप एकदम है, ठीक है। अनुराग हमारी बहुरिया का ध्यान रखना। हाँ अब आराम कर लीजिए। क्या एकदम है ठीक है? ठीक है मिस्टर जी, कुछ हो नहीं। अरे बाप रे 1 बज गया मिस्टर जी, खाना बनाना है, कितना काम है। स्टैचू ओवर, चलो पीछे बैठो, पीछे बैठो, ओवर ओवर, पीछे पीछे। मिस्टर जी ये क्या बात हुई, आप कहे हम पे प्रतिबंध लगा रहे हैं, थोड़ी ना हम कांच की गुड़िया है। और आप भूल गए हैं हमारा वो दबंग वाला रागिनी सिंह वाला रूप। मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है तुम्हारा रागिनी सिंह वाला दबंग रूप, इसीलिए तो मुझे इतनी टेंशन हो रही है कि तुम जैसी स्ट्रॉन्ग लड़की को ऐसे कैसे हो सकता है। डॉक्टर ने क्या कहा है कि आराम करो, आराम करने से तुम एकदम परफेक्ट। बड़की भौजी तुम्हारे लिए ले आए हम गरम गरम दूध। दुलारी दीदी आप एक काम कीजिए, बाहर जाइए और बाहर से जाके एक बड़ी सी रस्सी लेके आइए, ताकि रस्सी से हम रागिनी मैडम को बांध के उनको आराम कराएं। ठीक है जाइए। वैसे अनुराग बुआ को बात कहें, हमारे पास ना ऐसे निम्न आइडिया है। काहे हमको लगता है कि आपको ना बड़की भौजी को ऐसे अपना बाह में घेर के बैठाना चाहिए, इससे आपका काम भी हो जाएगा और बड़की भौजी आपके नजर के सामने भी रहेगी। आप चाहिए मैं ऐसे ही करता हूँ। ठीक है ठीक है ठीक। मिस्टर जी सुना तुमने, यहाँ से हिलना नहीं, स्टैचू। ए अरे जाने दीजिए ना। हिलना नहीं, मैं जाके दवाई लेके आऊंगा। यहीं बैठेंगे, कहीं नहीं जाएंगे, नहीं हिलेंगे। ये हुई ना बात, लाओ तो ताली। ए! अब बहुत हो गया रोना, चलो ठीक है अब रो मत। आए हमारा तो जान ही निकल गया था, जब फोन करा था ना तो हमारा सांस अटक गया था। काहे इतना रो रही हो तुम कभी रोती नहीं हो, और तुम्हारी तबीयत बहुत खराब है का? तबीयत तो ठीक है, लेकिन हम लोगों की नियत बहुत खराब है। ऐसे पाप किए भगवान हमको कभी माफ नहीं करेगा। कहा बोल रही हो अनाप शनाप तुम,
और तुम हमारी माँ हो, बैजू की माँ हो, तुम हमारे लिए भगवान हो, और तुम पापी कभी नहीं हो सकती। अब तुम्हारे साथ हम कुछ गलत होने नहीं देंगे। तुम का बोल रही हो? गलत तो हम लोगों ने उसके साथ किया। उसके साथ? किसके साथ? श्रिष्टि। हमने बहुत गलत किया है बैजू। का बोल रही हो तुम? का किया हमने श्रिष्टि के साथ? हैं? एक भले घर की पढ़ी लिखी लड़की को यह कोठे पर डाल दिया। उसके पास इतना ही समय था तो वो इस कोठे से भागकर अपनी जान बचा लेती या हमको बचाती। इसने हमको बचाया बेजू। जिस माँ को तुम भगवान मानते हो ना, उसको आज उस लड़की ने बचाया जिसको हमने इस गंदगी में डाला। ठीक है, हम समझ गए। देखो, रोने का बात नहीं है। हम कह रहे हैं ना, हम सब ठीक कर देंगे। आप सबको ज्यादा परेशान होने का जरूरत नहीं है। अब जो हो गया उसको बदल तो नहीं सकते ना, परेशानी है तो क्या हुआ? आप सब इतने परेशान क्यों दिख रहे हैं? सब ठीक तो है? और रागिनी, रागिनी कहाँ है? आप लोग कुछ बोल क्यों नहीं रहे? दुलारी दीदी बताइए ना, क्या हुआ? अनुराग बबुआ, कहा है कि रागिनी भौजी, रागिनी बुआ की अम्मा, तुम्हें कह दो ना क्या बात है। वो अनुराग बिटवा, वो रागिनी भौरिया, अब हम कैसे बताएं? बड़की तुम ही बताओ ना। अरे कोई तो बताइए, क्या हुआ, क्या है, डॉक्टर ने क्या कहा है? अनुराग बेटा, वो कहा है कि असल में बेटा बहू का तबीयत बहुत खराब हो गया है, और डॉक्टर डॉक्टर तो बोल रहा था कि डॉक्टर ने क्या हम बोल नहीं पाएंगे, तुम बोलो अनुराग को। अरे भैया, हम कहा कहें, हमको तो विश्वास ही नहीं हो रहा, ये सब कैसे हो गया, कुछ समझे में नहीं आ रहा हमको तो। अरे डॉक्टर ने क्या बोला, प्लीज बताइए ना। आप सब रहने दीजिए, मैं जाके रागिनी से पूछ के आता। रागिनी, नहीं कोई कुछ बताने को तैयार ही नहीं। रागिनी, रागिनी क्या हो गया तुम्हें? रागिनी मिस्टर जी, आपको ना ये जोर जोर से चिल्लाने का जो है ना आदत ही बदलना होगा। छोटे ठाकुर के कान में अगर ये आवाज पड़ेगा ना तो घबरा जाएगा ना वो। छोटा ठाकुर घबरा? ये तुम क्या बुदबुदा रही हो? और तुमसे मैंने मना किया था ना बेड से नीचे उतरने को। हाँ, तुम वहां क्या कर रही हो रागिनी? और घर पे सब कह रहे तुम्हारी तबीयत बहुत खराब है, क्या हुआ, क्या है, कोई प्लीज मुझे कुछ बता। तबीयत खराब है हमारा? हाँ, ज्यादा तबीयत खराब है क्या हमारा? ओह गॉड रागिनी, मजाक करने का टाइम नहीं है, तुम प्लीज सीधे सीधे जवाब। ये बॉल यहाँ क्या कर रही है? ये तो मैं बचपन में इससे बहुत खेलता था, लेकिन ये और ये याद है बचपन में आप इसे क्या कहते थे? भोला भालू। भोला भालू। भोला भालू, अरे ये तो मेरा फेवरेट था, इसके बगैर तो मैं कभी सोता ही नहीं था। लेकिन माँ ने मुझे बोला, अनुराग अब तुम बड़े हो गए हो, और उसके बाद वो जो जादू वाली परी थी ना, उसने इसको ले जाके दूसरे बच्चों को दे दिया था। लेकिन फिर ये यहाँ क्या कर रहा है? पता है,
तो वो जादू वाला परी जो है ना, वो आई थी वापस यहाँ हमें देने। तो क्या इस भोलू भालू के साथ अब क्या तुम खेलोगी? अब तो हमारे पास दूसरा खिलौना होगा खेलने के लिए। दूसरा खिलौना? यार रागिनी तुम भी ना थोड़ा मेंटल केस हो। तुमसे मैंने क्या कहा है कि यहाँ पे आओ बैठ के आराम करो, नहीं तो ये मेरे बचपन की फोटोज। अरे कितने टाइम बाद देख रहा हूँ, ये यहाँ क्या कर रहे हैं? हाँ रागिनी मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि यहाँ आकर बैठो, तुम वहाँ कहाँ चल दी? चाय पियेंगे? हाँ पियेंगे। तो ई रही हमारे मिस्टर जी के लिए गर्मा गर्म चाय। मिस्टर जी क्या हुआ, आप हंस का रहे? तुम्हारे साइज का छोटा सा कप यहाँ का कर रहा है? हाँ तो ई किसी छोटू वाले मुंह के लिए। छोटू से मुंह वाले? मतलब हमारे यहाँ कौन छोटा मुंह वाला? मतलब ई की अब आपसे ना फाइनल बात करना ही पड़ेगा। अरे रागिनी तुम प्लीज यहाँ बैठो ना। बहुत इम्पोर्टेंट बात है मिस्टर जी। इम्पोर्टेंट बात? हाँ बोलो, सब ठीक तो है ना? याद है कल हम आपसे क्या कहे थे कि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं? हाँ कहा था, वो तो मैं भी करता हूँ। हम झूठ बोले थे, अब हम किसी और से प्यार करते हैं। क्या मतलब किसी और से प्यार करती हूँ? मतलब नहीं, हमारा मतलब है कि दोपहर तक आप ही से प्यार करते थे, लेकिन दोपहर के बाद ना किसी और पे अपना दिल और जान लुटा बैठे हैं हम। मिस्टर जी बहुत प्यार हो गया हमें उनसे। दोपहर तक मुझसे करती थी, दोपहर के बाद किसी और पे दिल लुटा दी, मतलब क्या कह रही हूँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा रागिनी। देखो मेरी बात सुनो, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा तुमसे प्यार करता हूँ, और ये बात सबको पता है और तुमको भी पता है। अभी तो आप हमसे ही प्यार करेंगे ना? अभी तुमसे करूंगा मतलब? मतलब बाद में किसी और से प्यार करेंगे। एक सेकेंड रागिनी, मुझे लगता है कि तुम्हारे दिमाग में कुछ प्रॉब्लम हो गई। मुझे लगता है वो घर वाले सब सही कह रहे हैं, कुछ बहुत सीरियस। तुम्हें काम करो। मिस्टर जी आप ना एक नंबर के टोपा है। टोपा? टोपा? व्हाट इज टोपा? बुद्धू, बिल्कुल बुद्धू। हे भगवान आप ना सकल इनकी दे देना, लेकिन जो अकल है ना ये प्लीज हमारी ही देना, नहीं तो बहुत बड़ा तमाशा हो जाएगा, बता रहे हैं आपको। तुम कहाँ भगवान से शकल इन पे जाए, अकल मुझ पे जाए। तुम मिस्टर जी इधर आइए। एक सेकेंड मुझे कान में कुछ प्रॉब्लम हुई, मुझे समझ नहीं आया तुमने क्या बोला। दूसरे कान में बोलते हैं। क्या? एक सेकेंड, मैं बाप बनने वाला हूँ। मैं पापा बनने वाला हूँ। रागिनी थैंक यू, रागिनी थैंक यू सो मच। वेलकम। एक काम कहा था तो हराम खोरों से, वो भी नहीं हुआ। हाँ वो भी नहीं हुआ। अरे चिड़िया में लाखों में खरीदा है, लाखों में, और तुम लोगों ने क्या किया? हाँ आज अगर वो चिड़िया सोने का अंडा दिए अगर उड़ जाती ना, तो तुम हराम खोरों को महफिल में लहंगा पहना के नचवा देते। कमीनो रसमन के सिर्फ खाते हो, कुछ काम नहीं। एक लड़की नहीं संभलती इनसे। यही पड़े रहना दोनों के दोनों, समझे? यहाँ से हिले ना तो मैं भी नंगा खड़ा कर देंगे तुमको। कोई काम की नहीं है, इनके वजह से चिड़िया उड़ जाती। और तुम क्या कहा था तुमसे कि यहाँ से उड़ के जाने का सपना भी मत देखना। तुम क्या करी, यहाँ से भागने की कोशिश कर डाली है? याद देनी पड़ेगी तुम्हारी हिम्मत की। पर हमने भी तुमसे कहा था कि हम तुम्हारी हड्डियां नहीं तोड़ेंगे, तुम्हारी हिम्मत तोड़ेंगे। बहुत हिम्मत है तुम्हारे अंदर। हाँ और तुमको सजा मिलेगी उसकी। आज तक जो चंदा मौसी के कोठे पे नहीं हुआ ना, अब वो होगा। अब तुम देखना सब।
मेकअप का डिब्बा लेके आओ, यहीं खड़े खड़े इसका श्रृंगार करो, इस छम्मक छल्लो का। और हाँ, वो छोटी कट वाली चोली और घाघरा भी लेते आना, जिसमें जिस्म छिपता कम है और दिखता ज्यादा है। ना ज्यादा दिखेगा उतना ही तो दाम अच्छा मिलेगा। कुछ समझे नहीं मौसी हम। दाम सबो दाम, ये बिकेगी, अब नीलामी करेंगे हम इसकी। जाओ लेकर जाओ, इसको तैयार करो। जो सबसे ज्यादा दाम फेंकेगा उसके हवाले कर देंगे इसको। कोरी इज्जत को, इसकी कोरी इज्जत को नीलाम करके खूब पैसा कमाएंगे। अभी भी इतनी अकड़ है तुझ में कि मुझसे नजरें मिला रही है? तेरी इस अकड़ को ना नजाकत में नहीं बदल दिया ना, मेरा नाम भी चंदा मौसी नहीं। सबो लगा फोन राम अवतार को, उससे बोल बड़े से बड़े सेठ को लिया है, इसकी नीलामी करेंगे हम। ना बड़ा जो दाम देगा वही इसे ले जाएगा। बहुत दिन बाद बाजार में ऐसा चोखा आइटम आया है। बोला भागेंगी यहां से। अरे बैजू आओ आओ, तुम्हारी अम्मा की तबीयत कैसी है अब? चलो ठीक है। अरे कुछ सुना तुमने, तुम्हारी छम्मक छल्लो की नीलामी है कल, तुम भी टाइम से आ जाना। हाँ वक्त पे अच्छा दाम मिलेगा तो मिलके जश्न मनाएंगे। अरे हाँ, तुम्हारी अम्मा को इस महीने का भाड़ा देना था, इस करम जली के चक्कर में वो भी हम भूल गए। सब पैसा लेके आओ। हम पैसा लेने नहीं आए, हम पैसा देने आए हैं। लीजिए, ये जो मैडम जी, इनका नीलामी नहीं होगा, ये हमारे साथ वापस जाएंगी। का मतलब? मतलब है कि सृष्टि जो है हमारे साथ वापस जाएगी। चंदा भाई का कोठा है ही, चोर बाजार की दुकान नहीं। जब बेचा हुआ सामान वापस उठा के ले जाओ। तो खुद लाया था ना उसे यहाँ बेचने के लिए, अब क्या हुआ? अभी तुम्हारी लाई हुई सृष्टि नहीं है, इस कोठे की मुन्नी बाई है समझे, और यहाँ वही होगा जो चंदा मौसी चाहेगी। और तेरी इस छमिया ने ना हमारा हुक्म ना मान के ना बहुत बड़ा गुनाह किया है, उसकी सजा तो उसको मिलेगी। नीलामी तो होके रहेगी। जो कर सकता है कर ले, और जो अचानक तेरे दिल में इतना प्यार आ गया है ना उसके लिए, उसको दबा के रख। इतने पैसे दूंगी ना तूने जिंदगी में कभी देखे भी नहीं होंगे। चल अब जा यहाँ से, हम लोगों को कल की महफिल की तैयारी करनी है। बाजार लगेगा कल बाजार, समझा? सबो सामान लेकर आओ, साथ सिंगार का इसको ले जाओ, रात भर इसके साथ ही रहना। कल सुबह इसका साथ सिंगार करके दुल्हन बनाना है उसे, नीलामी जो होगी। लेके जाओ इसको। चल निकल। चाहे जो हो जाए, सृष्टि मैडम, इस नरक में आपको हमने ही डाला है और हम ही निकालेंगे। था अम्मा, इतना खुशी का मौका और आपकी आंखों में मिला। अरे बिटवा, ये तो खुशी के आंसू हैं। हम अब परदादी जो बनने वाले हैं, और हम दादी ना बनेंगे। हाँ बड़की, अफवा बड़की भौजी का बाबू हमको क्या कहेगा?
तुमको फुआ ना कहेगा, तुम हमको फुआ ना कहती हो। आप लोगों ने तो मुझे डरा ही दिया था। अनुराग बमगा, पड़की भौजी से हालचाल पूछ लिए ना, तो डॉक्टर अभी बुलाना है कि 9 महीना बाद? दुलरिया अभी तो आके चला गया, 9 महीने बाद फिर बुलाना पड़ेगा। खुश रहो बेटा, तू तो नाओ तू तो फलो। क्यों, कैसा लगा हम सबका नाटक? बहुत बुरा। हमेशा खुश रहो बेटा, सालों बाद इस घर में किलकारियां गूंजेंगी। कभी मैं घोड़ा बनूंगा तो कभी उसे कंधे पे लेकर पूरा गांव घूमूंगा। कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच, विश यू द सेम। दोनों का जोड़ा हमेशा सलामत रहे। उदयपुर में जो कुछ भी हुआ ना, उसके जिम्मेदार हम हैं। संगीनी को बढ़ावा जो है वो हम ही ने दिया था। नहीं माँ, संगीनी को लाने का आइडिया हमारा और रागिनी का था। वो तो मजाक मजाक में ये बात, उस मजाक को जो है हमने अपना हथियार बना लिया दोनों को अलग करने के लिए। हमें सब रागिनी,